प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो निकाय चुनाव का रण और शुरू हुआ दंगल। जी हां, आज यूपी में निकाय चुनाव का पहले चरण में ही सुबह से ही मतदान जारी है और इस दौरान आपको बता दें कि 37 जिले ऐसे हैं जहां पर आज जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो सुबह से ही मतदान स्थलों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, सुबह से ही लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम दिग्गजों के साख दाव पर लगी हुई है। तमाम ऐसे दिग्गज है जो आज जिनकी आज किस्मत का फैसला जो है वो कैद हो जाएगा। तो 9 मंडल के साथ ही 37 जिलों में जनता आज अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और प्राइम टीवी पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। हर पल की सटीक और सबसे पहले अपडेट देखने के लिए आप लगातार प्राइम टीवी के साथ बने रहिए, क्योंकि प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से ही मतदान स्थलों के बाहर से हर एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो निकाय चुनाव का चक्रव्यूह जो है वो अब लगातार गहराता जा रहा है। तो वही अगर आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको यह बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि 4 मई को वोटिंग यानी कि आज पहले चरण की वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो वही दूसरी तरफ हम आपको यह दिखा रहे हैं कि आखिर इस जो निकाय चुनाव जो 2 चरणों में होने हैं उसके नतीजे कब घोषित होंगे। तो जो है एक तरफ हम कब वोटिंग है यह दिखा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि आखिर कब नतीजे आएंगे। तो आज आपको बता दें कि यूपी में आज काफी अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज शहर की सरकार का फैसला होगा कि आखिर शहर की जनता को किसने पसंद किया है। तो 37 जिलों में आज जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं। आगरा में सुबह 9 बजे तक 10.49% वोटिंग हुई है, तो वहीं मुरादाबाद में 12% वोटिंग हुई है। तो लगातार हम आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान स्थल पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज शहर की सरकार चुनने के लिए जो सभी मतदाता है उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपने प्रत्याशी को चुन करके उस पर भरोसा जताए और उस प्रत्याशी को चुने जो उनके क्षेत्र का विकास करे, जो उनके शहर का विकास करे। तो आज सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है। तो वहीं आज तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। फिर चाहे वो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की सीट सबसे बड़े नगर निगम की सीट में से एक मानी जाती है। तो यहां पर जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा ने तमाम समीकरणों को साधते हुए सुषमा खरकवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने भी वंदना मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी संगीता जायसवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लखनऊ में तीनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है, तमाम दिग्गज जो है वो लाइन में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं डिप्टी सीएम राजेश पाठक के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एक आम जनता की ही तरह वो भी लाइनों में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो वही निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो वही प्रयागराज से नंदलाल हमारे साथ मौजूद है। नंदलाल, सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। जी मुस्कान, इस समय मैं हंडिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में खड़ा हूँ, जो कि पिंक महिला पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में साफ दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीर मैं ग्राउंड रिपोर्ट के समय मौजूद हूँ। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ी बाउंड्री बनाई गई है, पूरा चारों तरफ घिरा किया गया है, क्योंकि महिला पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। और अंदर की तस्वीर है जो कि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको पहले वीडियो दिखा चुका हूँ। यहाँ पर अभी सुबह से ही मतदान जारी है, पूरे नगर पंचायत में 20,800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी मुस्कान, ठीक है नंदलाल, हमने तस्वीरों में देखा कि आप ग्राउंड पर मौजूद है, जहां की तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई, लेकिन अभी हमको ये बताइए कि आप लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से उनके मुद्दों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयागराज के वो कौन से हैं जनता जिन पर जनता अपने प्रत्याशी को चुनेगी? जी जनता से मैंने बात किया, जनता ने कहा हम विकास के नाम वोट देंगे, उन्होंने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, ना तो प्राइम टीवी यह जानना चाहता है, लेकिन जनता का सीधा कहना है कि हम विकास के नाम वोट करेंगे। जी बिल्कुल नंदलाल, जो सुबह से ही लगातार यहाँ पे मतदान शुरू है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा जो युवा मतदाता हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखा गया है। प्रयागराज जनपद में देखा जाए तो 125,000 मतदाता नए मतदाता हैं, जो कि प्रयागराज जनपद में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं हंडिया नगर पंचायत में 20,800 मतदाता है, जिसमें से करीब 2 से 2,500 नए मतदाता जुड़े हैं। जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि
हम अपने स्वेच्छा से हम युवा हैं, जो मुझे अच्छा लगेगा हम ऐसे प्रत्याशी को ऐसे पार्टी को टिकट वोट देंगे जिससे कि हमारे आने वाला कल भविष्य अच्छा हो। वहीं पर देखा जाए तो हंडिया नगर पंचायत पिछले 30 वर्षों से हंडिया नगर पंचायत का स्थापना हुआ है, ये 7वां चुनाव देखा जा रहा है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिता चुके, ये फिर भारतीय जनता पार्टी और बसपा और सपा के बीच ये टक्कर है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से चुनाव का माहौल है देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने राजनीतिक रंग में रंगे हुए हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल नंदलाल, लेकिन महिला प्रत्याशी काफी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा तो इस बार जो महिला प्रत्याशी है या जो महिला वोटर्स माना जाए सीधा, महिला वोटर्स कितना ज्यादा पहुंच रही है मतदान स्थल? जी नंदलाल, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है नंदलाल, महिला वोटर्स काफी अहम भूमिका निभाती हैं, हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखा है, तो इस बार महिला वोटर्स किस तरीके से जो मतदान स्थल है वहां पहुंच रही हैं? तो नंदलाल से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि प्राइम टीवी के हर एक सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है, पल पल की और सीधी के साथ इस सटीक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही प्राइम टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मतदान स्थल के बाहर मौजूद और सीधी तस्वीरों के साथ ही जो सीधे और सटीक आंकड़े हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि प्राइम टीवी सच साहस और सरोकार। जी हाँ, तो हम लगातार आपको निकाय चुनाव की हर एक सबसे पहले दे रहे हैं, सबसे पहली तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, जिसके लिए जो तमाम क्षेत्र की जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है क्योंकि शहर की लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है, ऐसे में इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है क्योंकि ये वही चुनाव है जिसमें जो तमाम पार्टियां हैं वो ये भापने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो यूपी की आबो हवा है वो किस पार्टी के पक्ष में ज्यादा है, यानी कि जो यूपी की जनता है वो किस पार्टी को ज्यादा पसंद कर रही है। ये पूरा माहौल भापने का प्रयास इस वक्त तमाम राजनीतिक दल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 मई को यानी कि आज ही के दिन सुबह 7 बजे से ही जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो पहले चरण में कुल 9 मंडलों में जनता वोट डालने पहुंच रही है, जिनमें सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल, झांसी मंडल, प्रयागराज मंडल, लखनऊ मंडल, देवी पाटन मंडल, गोरखपुर मंडल के साथ ही वाराणसी मंडल भी शामिल है। तो जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी इस वक्त चुनाव हो रहे हैं तो वहीं पीएम मोदी के भी संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में भी जो जनता है वो लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है क्योंकि शहर की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। आपको बता दें कि लखनऊ में भी लगातार जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो इस वक्त हमारे साथ रितेश ग्राउंड जीरो से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ के जानकीपुरम स्थित एमडीएम कॉलेज है, यहाँ पर बूथ बनाया गया है, जानकीपुरम क्षेत्र में है, यहाँ पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो गया और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही मतदान में क्योंकि मौसम भी आज ठीक है, इस वजह से धूप छांव का मौसम है तो जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं सुबह से घर से निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 नगर निगमों में आज चुनाव हो रहा है, यानी 9 मंडल में चुनाव मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और जो बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने भी मतदान किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। चल रहा था नगर संग्राम जिसमें लगातार आप लोग जनता के बीच जा रहे थे, उनके मुद्दों को समझने का बखूबी प्रयास कर रहे थे, तो आज जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रही है तो वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता मतदान स्थल पहुंच रही है? बिल्कुल सही पुष्कर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है क्योंकि जनता ने, जैसे हम लोगों ने नगर संग्राम का कार्यक्रम किया और जनता से मन की बात जाननी चाहिए तो जनता कुल मिलाकर के अब उन एजेंडों को लेकर के मतदान स्थल पे पहुंची है। उन्हें उनका जो मतदान है वो सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए, तो सबसे बड़ी जो समस्याएं नगर निगम में आती है वो रोड नाली फरंजे को लेकर के और लाइट व्यवस्था, बिजली व्यवस्था को लेकर के आती है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के आती है, जो अव्यवस्थाएं होती है उसको लेकर के मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक हो चुका है और उन्होंने अब ये पूरी तरीके से निश्चय कर लिया है कि
उस निश्चय के साथ में वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और उन्होंने अपना मन बना लिया है। वो मन किस तरीके से बनाया है कि क्षेत्र में कौन सा नेता विकास कर सकता है, कौन सा नेता क्षेत्र को विकास की राह पर ले जा सकता है, उस नेता के लिए मतदाताओं ने अपने मन को अपने मत को चुना है। अब वो मत जो उन्होंने चुना है वो मत पेटिका में जमा भी करा रहे हैं सुबह 7 बजे से, या मतगणना के बाद पूरी तरीके से जाहिर हो पाएगा कि किसकी किस्मत उस मत पेटिका में बंद हुई है। मुस्कान, ठीक है रितेश, लखनऊ की जो नगर निगम है वो सबसे बड़े नगर निगम में से एक है, तो यहाँ की लड़ाई किस तरीके से दिलचस्प हो चुकी है? देखिए बिल्कुल सही बात कहा मुस्कान आपने, क्योंकि लखनऊ नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम कहा जाता है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सुषमा खरकवाल है मेयर प्रत्याशी, उनकी अगर बात की जाए तो दावेदारी वो कर रही हैं। उनके साथ में अगर बात की जाए कांग्रेस की तो संगीता जायसवाल भी लगातार उनके साथ फाइट कर रही हैं, और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो वंदना मिश्रा भी कहीं ना कहीं फाइट में नजर आ रही है, और लगातार तीनों पार्टियां पूरे शहर में अपनी ताकत को झोंक चुकी हैं। अब ये देखना होगा, आज मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, अब किस्मत का पिटारा किसके तरफ खुलता है ये तो जब मतगणना होगी उसके बाद। फिलहाल अभी 9 मंडल में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के 9 मंडल में चुनाव जारी है, यानी 37 जिलों में 37 जनपदों में चुनाव हो रहा है मुस्कान, और सभी जगह शांति व्यवस्था है, कहीं भी कोई अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। फिलहाल मतदाता समय से पहुंच रहे हैं और जो भी उनका भाग्य संख्या बूथ संख्या है वो वहां पर पहुंचकर अपने नेता को अपने जो क्षेत्र के विकास जो ठीक है। तो रितेश से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लगातार आपको हर एक पल की तस्वीरें और हर एक पल की अपडेट दिखा रहे हैं और सीधे आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं कि पहला चरण आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि वोटिंग 4 मई को यानी आज के दिन लगातार जारी है, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। तो आज 37 जिले के 9 मंडलों में चुनाव जो है वो लगातार जारी है। तो एक बार फिर से रितेश हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। रितेश, जो चुनाव है वो लगातार सुबह 7 बजे से ही जारी है, जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो किस तरीके से है? देखिए मैं बता दूं मुस्कान, सुरक्षा का व्यवस्था तो पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से जहां पर बूथ है वहां पर उनके दायरे में 100 मीटर तक आने जाने के लिए वाहनों को भी वर्जित किया है, अंदर कैमरा फोन भी ले जाने के लिए मना किया गया है। तो एक प्राइम टीवी की तरफ से एक अपील भी की जा रही है कि जो भी मतदाता अपने मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं वो अपना मोबाइल अपनी गाड़ी में अपनी सुरक्षित जगह पर या अपने घर पे रखे आए, क्योंकि मतदान स्थल पर बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है, पूरी तरीके से कैमरा फोन भी ले जाना मना है। तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, कुछ मतदाताओं को नहीं पता है जो मौके पे मोबाइल लेके पहुंच रहे हैं और उन्हें असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है रितेश, आप पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को लगातार सुबह 7 बजे से ही पहुंचा रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस वक्त लखनऊ का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि शहर की लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई मानी जा रही है? बिल्कुल मुस्कान, कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव नगर निकाय का है इसको सीधे लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है और इसमें ही अपनी शक्ति का आकलन कर लिया जाएगा, कौन सी पार्टी अपनी मजबूती को दावेदारी को पेश कर रही है लोकसभा के चुनाव में। फिलहाल नगर निकाय चुनाव में स्पष्ट हो पाएगा कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनाव में अपनी रणनीति को बनाई थी, अपने एजेंडे को बनाई थी और किन एजेंडों के तहत वो जनता के पास में पहुंची थी। आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है एक उत्सव का माहौल है पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जनता यानी 9 मंडल की जनता 37 जिलों के जो भी मतदाता है वो अपने अपने बूथ स्थल पर पहुंच रहे हैं। हम लखनऊ के जानकीपुरम स्थित MDM एक बूथ संख्या पर मौजूद है, यहां पर भी मतदाताओं का सुबह से तांता लगा हुआ है, सुबह 7 बजे से यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब जनता ही अपने हिसाब से अपने अपने जो नेता होता है उसको चुनती है, क्योंकि वो देख रही है कि क्षेत्र में विकास की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि किस तरीके से जल भराव बरसात में हो जाया करता था उसको लेकर के जनता पूरी तरीके से सजग है और वो अपने नेता का चुनाव भी उसी तरीके से करना चाहती है जैसा कि आज मतदाता में वो उनके नजदीक यानी उनका जो मत है वो बंद हो रहा है। जो भी नेता होगा जो चुना जाएगा अभी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल पूरे लखनऊ में यानी पूरे उत्तर प्रदेश के 9 मंडल में उत्सव का माहौल है, इस तरीके से मतदान करने के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ठीक है रितेश, जो युवा है वो देश की कहा जाए रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, तो ऐसे में आप जहां पर मौजूद है वहां पर जो युवा मतदाता है वो किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं? देखिए यहां पर कुछ मतदाता पहुंचे हैं वो अभी अपने मत का प्रयोग करके आ रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अपने आपने अपने मत का प्रयोग पहली बार किया है या आखिरी बार कर दिए, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वोट डाल दिया आपने, क्या सोच सकते हैं वोट आपने कितने घंटे की तरह वोट डाल सकते हैं? तो ये मतदाता है यहाँ पर ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं वो अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, हम उनसे भी सीधा जुड़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपनी बार नगर निकाय चुनाव को देख सकते हैं।
उसके बाद जो है विकास विकास का मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब पीछे पे हम लोग उठाए हैं। अच्छा लगता है तिवारी नगर निकाय उत्तर प्रदेश में, नगर निकाय में लग रहा है कि अपनी इतिहास बदलेगा। कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी से मजबूत दे दी है, वजह से कुछ देखिए कुछ मतदाता यहाँ जुड़ रहे हैं, वो अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रहे हैं और अपनी चीजों को, अपने मन की व्यथा को बता भी रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में हो रहा है और क्या एजेंडों को लेकर के वो बदलाव चाहते हैं और किस तरीके से क्षेत्र का विकास होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सुषमा खरकवाल है महापौर प्रत्याशी वो, और उनके साथ में संगीता जायसवाल कांग्रेस की प्रत्याशी और वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, तीनों में आपस में फाइट है। पूरे लखनऊ में जोर शोर से उनका पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार थमने के बाद मताधिकार का प्रयोग करके मतदान स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि किस तरीके से मतदान स्थल से इनकी किस्मतों का पिटारा पड़ता है। ठीक है रितेश, लेकिन लखनऊ नगर निगम की सीट पर 28 साल से ही भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कूड़े की समस्या बहुत ज्यादा है, जल निकासी की समस्या नहीं है, तो क्या लगता है इस बार ये इतिहास बदल जाएगा? बिल्कुल मुस्कान, आपने सही बात कहा, क्योंकि केवल लखनऊ पे नहीं, जो 10 नगर निगम में चुनाव हो रहा है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, पूरे 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, तो वो देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके का बदलाव होता है। सबसे बड़ी समस्या तो लखनऊ में आती है, लखनऊ नगर निगम में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के आती है। यहाँ पे जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो जलभराव सबसे बड़ी समस्या होती है और कूड़े का डंपिंग होता है जो सही से उसका रखरखाव नहीं होता। चीनी कंपनी को जो यहाँ पर टेंडर दे दिया जाता है उसको लेकर के यहाँ पर भी जनता के मन में भी खासा नाराजगी देखी गई, तो अब उसका भी बदलाव निश्चित है। जनता भी अपना मूड बदल चुकी है, मन बदल चुकी है और अपने क्षेत्रीय पार्षद का और नेता का उसी तरीके से चुनाव भी कर रही है कि वो उसके क्षेत्र का विकास करती है। फिलहाल लखनऊ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना बनाई गई थी, लाई गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरा लखनऊ शहर गड्ढे में है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को खोद भी दिया गया है। अगर आज आप बात करें तो कहीं गड्ढा है तो कहीं पर बहुत बड़े नाले भी खुले हैं और गंदगी का अंबार है, तो उसको लेकर के भी जनता अपना मूड पूरी तरीके से बदली है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जो हमारे सहयोगी है वो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि जो तमाम पार्टी के दिग्गज हैं उनकी साख भी दांव पर लगी है। जहां एक तरफ जो सपा है वो भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, तो भाजपा के सामने भी अपने गढ़ को यूं ही बचाए रखने की चुनौती है। चूंकि लखनऊ में भी आज जनता अपने मताधिकार का लगातार इस्तेमाल कर रही है और लखनऊ नगर निगम की सीट सबसे बड़ी सीटों में से एक मानी जाती है और इस सीट पर 28 साल से भाजपा का कब्जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सपा है वो लगातार इस यहां पर इतिहास बदलने का प्रयास करेगी और चाहेगी कि जो उसकी पार्टी का प्रत्याशी है वो जीत दर्ज कराए। तो एक बार फिर से प्रयागराज से सीधे नंदलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, लगातार आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? गया है और देख रहे हैं लगातार यहाँ पर मतदाता लंबी कतार लगा करके, विशेषकर महिलाएं लंबी कतार में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं, जो कि देखा जाए हंडिया नगर पंचायत में 20,800 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर हूँ और देखा जाए लोगों में उत्साह है, जो विशेषकर युवा है उनके अंदर उत्साह है कि हम पहली बार मतदान करेंगे। जी मुस्कान जी, ठीक है नंदलाल गुप्ता, जहां पर आप मौजूद है या बात करें प्रयागराज की, तो यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए जाति समीकरण कई चीजों पर आधारित करता है। कुछ तो लोग पार्टी के नाम पे बात करते हैं और कुछ प्रत्याशी के समाज बात करते हैं, कुछ लोग विकास की बात करते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास मुद्दा बना हुआ है, कौन चेयरमैन कितना क्या काम किया है और कोई भी व्यक्ति कैमरा पे आके बोलने को तैयार नहीं है, लोग विकास की बात कर रहे हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल, यानी कि इस बार जो प्रयागराज की जनता है वो विकास के नाम पर वोट देगी। नंदलाल जी, जी पिछले 30 वर्षों से हंडिया नगर पंचायत का गठन हुआ है जो कि सातवीं बार, यानी देखा जाए तो ये सातवीं बार नगर पंचायत चुनाव हो रहा है। इसके पहले भी यहाँ पर 3 बार सपा के प्रत्याशी चेयरमैन बने थे, 2 बार भाजपा के निर्दलीय भी, और इस बार फिर यहाँ पर सीधा टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। जी अच्छा नंदलाल, मैं अगर मेयर प्रत्याशी की बात करूं तो प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन इससे पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी चुनावी मैदान में थी, तो आखिर वजह क्या रही जो उनको दोबारा टिकट नहीं मिल पाया? देखिए ये मुस्कान जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि कोई भी मेयर प्रत्याशी या नगर पंचायत का प्रत्याशी जिनके
घर में कोई मंत्री विधायक सांसद है उनके रिश्तेदार और उनके सगे संबंधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वही शायद आदेश का पालन भारतीय जनता पार्टी ने किया जो कि अभिलाषा गुप्ता नंदी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन अभिलाषा गुप्ता नंदी पार्टी के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर पार्टी को जिताने के पूरा प्रयास कर रही है और पूरे जिले की जिम्मेदारी अभिलाषा गुप्ता नंदी को दिया गया था। जी मुस्कान, ठीक है। नंदलाल अतीक अश्रफ हत्याकांड का गवाह पूरा देश बना था जब मीडिया के सामने गोलियां चली थी, तो अब जब निकाय चुनाव हो रहे हैं तो क्या उस हत्याकांड का असर इस चुनाव के नतीजों पर देखने को मिलेगा? जी नंदलाल, जी मुस्कान, युवा 24 तारीख दिल दहला देने वाला घटना था और जो की पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में वह दिन लोगों को याद है जब अतीक अहमद के ऊपर ताबक तोड़ गोलियां चली थी, लेकिन चुनाव में देखा जाए तो हत्याकांड को लेकर के लोगों के अंदर ऐसा कोई दिलचस्प नहीं है। लोगों का कहना है कि हम विकास के नाम वोट करेंगे, जो पार्टी हमारी साथ रहेगी, हमारे सुख दुख साथ रहेगी, हम उसको वोट करेंगे और इस नगर निकाय चुनाव में कोई जात और मजहब की बात नहीं आ रही है। जी मुस्कान, यानी कि निकाय चुनाव पूर्ण रूप से विकास पर आधारित है, लेकिन नंदगोपाल गुप्ता अगर हम देखें तो जिस तरीके से नंदगोपाल गुप्ता नंदी की नाराजगी खुलकर सामने आई थी और वो प्रयागराज के एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो उनकी नाराजगी का क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा? जी, नंदी को चाहने वाले प्रयागराज ने पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में है और रही बात नंदी, नंदी मंत्री जी पूरे प्रयागराज जनपद में एक एक नगर पंचायत, 8 नगर पंचायत है, एक नगर पंचायत में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे और वहीं पर पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे थे और सपा के बड़े बड़े दिग्गज भी हटिया नगर पंचायत फूलपुर या नगर इलाहाबाद में अगर चुनाव रहा हो सभी लोग अपने दमखम के साथ चुनाव लगे थे, लेकिन नंदी किसी प्रकार से उनके अंदर मायूसी नहीं थी। उनका कहना था जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आदेश था अगर हमारे परिवार को टिकट नहीं दिया जा रहा है मुझे कोई नाराजगी नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश हो उसे हम काम करेंगे। जी मुस्कान, यानी कि नंदगोपाल साफ तौर पर माना जाए कि जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट देगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार हमारे जो सहयोगी है प्राइम टीवी की टीम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सुबह 7 बजे से जब से जनता मतदान स्थल पहुंच रही है तब से ही लगातार प्राइम टीवी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद और पल पल की और सटीक अपडेट सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार जो चुनावी चक्रव्यूह है वो लगातार जारी है क्योंकि निकाय चुनाव का रण जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, जो प्रत्याशी 2 दिनों पहले तक जनता के बीच में जाकर जनता से अपील कर रहे थे तो वहीं आज वो सभी प्रत्याशी अब मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक आम आदमी की तरह जो मतदान की लाइन है, जो लोगों की लाइन थी, उसमें लगे हुए नजर आए। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो डिप्टी सीएम और उनकी धर्मपत्नी एक आम जनता की तरह एक लाइन में खड़ी होती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है और अपने प्रत्याशी को वोट देती है। तो निकाय चुनाव की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि जो तमाम दिग्गज है उनकी साख दांव पर लगी है और जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ही जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सभी समीकरणों को उकेरते हुए एक साथ फिर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। तो वहीं आज उन्हीं प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो लगातार जनता लिखती जा रही है। सुबह 7 बजे से उन प्रत्याशियों की किस्मत को लिखने में लगातार जनता लगी हुई है क्योंकि ये चुनाव शहरी चुनाव है और काफी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि शहर के विकास की जो बात होती है, जो शहर के विकास की जो चीजें होती है वो यहाँ कर या यहाँ पे जो मेयर है, जो प्रत्याशी है, जो सभासद है, उन्हीं के हाथों में होती है। तो हरदोई से सीधा हर्षराज हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षराज, सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान जारी है, सबसे पहले आप कहाँ मौजूद है ये बताइए। मुस्कान, आपको बताते चले हरदोई में नगर 7 नगर पालिका 6 नगर पंचायत हैं। हम आज शाहबाद विधानसभा में नगर पालिका क्षेत्र में है। यहाँ पे हम अपने सहयोगी से कहेंगे देखिए किस तरीके का शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, अर्ध सैनिक बल मौजूद है, हर तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। हरदोई जिले में डीएम एसपी हर जगह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हम हर्षराज से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे लेकिन हम आपको लगातार हर एक पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव जब 2017 में हुआ था तो उस दौरान जो नतीजे थे वो पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में गए थे, ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो भाजपा के जीते थे, लेकिन इस बार की लड़ाई कांटे की लड़ाई मानी जा रही है क्योंकि जहां हर पार्टियां ने तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधने के लिए उसी हिसाब से अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा की है तो वहीं निकाय चुनाव की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। कब वोटिंग होगी ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, कब नतीजे आएंगे ये भी आपको दिखा रहे हैं और कौन कौन से मंडल में
चुनाव आज जारी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब आपको बताते चले कि मुरादाबाद मंडल में भी आज चुनाव होने हैं। तो कुल 9 मंडलों के साथ ही 37 जिलों में सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल के साथ ही झांसी मंडल, आगरा मंडल, प्रयागराज मंडल, लखनऊ मंडल के साथ देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी, ये सभी मंडल है जहां पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। तो कुल जनपदों की संख्या यानी कि कुल जिलों की संख्या 37 बताई गई है जहां पर आज जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो वही इन 37 जिलों में आज 10 महापौर जो है यानी कि मेयर है उनकी भी किस्मत आज कैद हो जाएगी। और वहीं अगर नगर निगम पार्षदों की बात करें तो 830 पार्षदों की भी किस्मत आज लगातार सुबह 7 बजे से ही जनता लिख रही है। तो 37 जिलों में ही लगातार जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल है वो जनता द्वारा किया जा रहा है। तो नगर पालिका परिषद जो सदस्य है उनकी भी आज जो लगातार प्रक्रिया है वो जारी है, क्योंकि जो जनता है वो बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। क्योंकि इस बार की जनता का मानना है, जो इस बार के वोटर्स हैं उनका मानना है कि वो किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं देगी बल्कि वो अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट देगी। तो एक बार फिर से हर्षराज हमारे साथ सीधा हरदोई से जुड़े हैं। हर्षराज, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मतदान स्थल के बाहर मौजूद है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है? हरदोई जिले की शाहबाद विधानसभा है, यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे, पीछे दिखाना चाहेंगे, लंबी लंबी कतारें हैं लेकिन बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कई यहाँ पे जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वोट पर्चर पे डाल रही है। हम बात करेंगे, दिखाएंगे, कोशिश करने की बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? बोल रहा, देखिए मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाजपा और सपा की यहाँ पे टक्कर चल रही है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सीओ शाहबाद, एसडीएम, डीएम, एसपी सारे लोग यहाँ से बराबर यहाँ पे अपना हमला लेके चल रहे हैं। जी ठीक है हर्षराज, जरा एक बार 2017 के आंकड़ों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि 2017 के आंकड़े क्या थे। 2017 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सपा के जो सपा के प्रत्याशी थे वही यहाँ पे थे। निवर्तमान वो सपा से ही प्रत्याशी हैं, पहले उनकी वाइफ थी। अब यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला देखने चल रहा है। यहाँ पे शाहबाद विधानसभा सबसे यहाँ की जो भाजपा और सपा की यहाँ पे टक्कर मानी जा रही है। जी ठीक है हर्षराज, वो कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए, जिसको दिमाग में लेते हुए जनता मतदान स्थल पहुंच रही है? मुस्कान, आपको बता दें यहाँ के जो मुद्दे हैं, लाइट, सड़क, रोड, शिक्षा व्यवस्था, पानी, यही सब देख के यहाँ पे मतदान लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कमियां रह गई हैं, सपा के उम्मीदवार जो आसिफ खान बब्बू हैं, उन्होंने कई बार यहाँ के जो बताया है कि कई जो कमी है उनको मैं पूरा करूंगा। लगातार उनकी जो चल रही है उम्मीदें बढ़ के चल रही है। जब भाजपा की बात की जाए तो दोनों में टक्कर गाड़ी चल रही है। जी ठीक है हर्षराज, अभी आपने बताया कि सीट पर सपा काबिज हुई है, तो क्या सपा के जो प्रत्याशी है उससे जनता खुश नजर आ रही है? क्या उनके काम से जनता संतुष्ट नजर आ रही है? जनता से जब बात की गई, ग्राउंड रिपोर्ट जब जीरो की यहाँ बात की गई तो लोग कहते हैं कि टक्कर करा रही है। जो अगर काम की बात की जाए तो लगातार जो सपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने लगातार यहाँ पे अपने अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना इस सीट पे हरदोई जिले की सबसे अहम सीट ये मानी जा रही है, शाहबाद नगर पालिका की, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला यहाँ को देखने को मिल रहा है। सपा और भाजपा में करारी टक्कर है यहाँ पे। जी ठीक है हर्षराज, हरदोई की सबसे हॉट सीट कौन सी है जहाँ पर पूरे क्षेत्रवासियों की इस वक्त निगाह बनी हुई है? निगाहें अगर देखा जाए शाहबाद और हरदोई की सदर सीट पे निगाहें यहाँ पे बनी है। दिलचस्प मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हर सीट पे सपा बसपा की टक्कर चल रही है, सपा भाजपा और कहीं कहीं बसपा भी टक्कर में चल रही है। जी ठीक है हर्षराज, जिस तरीके से अभी आप इस वक्त मतदान स्थल के बाहर मौजूद है, जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी ज्यादा है इस बार के चुनाव में? आपको दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लगातार महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 9 बजे तक 11.37% मतदान हुआ है। जिस बूथ पे मैं गया हूँ लंबी लंबी कतारें हैं, ज्यादातर महिलाएं ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। पुरुष भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक हर तरीके के हर वर्ग के लोग इसमें मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी ठीक है हर्षराज, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक सटीक और सीधे तौर पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक हरदोई से किसी भी तरीके की गड़बड़ी या किसी भी तरीके की हिंसा की खबर आप तक पहुंची है? नहीं, अभी किसी भी बूथ से कोई भी हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन लगातार एसपी, डीएम और एसडीएम, सीओ शाहबाद यहां पे लगातार अपना हमला लेके चल रहे हैं।
बराबर हर बूथ पे नजर बनाए हुए हैं, हर बूथ को चेक कर रहे हैं, यहाँ की एडीएम जो हैं वो भी लगातार बूथ चेक कर रही हैं। ठीक है हर्षराज, तो क्या जो सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है क्या वो अपना मतदान देने पहुंच चुके हैं या फिर अभी उनका मतदान डाला जाना बाकी है? अगर देखा जाए तो बात की जाए जो प्रत्याशी है लगातार अपनी अपनी सेवाएं दे, लेकिन अभी वोट डालने नहीं मतदान पे पहुंचे हैं, थोड़ी देर में 12 बजे के आसपास वोट डालने की उम्मीद है। ठीक है हर्षराज, आज जरा मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिला है, कड़कड़ाती धूप निकली है, तो क्या कड़कड़ाती धूप ने वोटर्स पर कोई असर डाला है या फिर वोटर्स उतने ही गर्मजोशी के साथ मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं? मुस्कान आपको बताते चलें, कल जो मौसम यहाँ का खराब था लेकिन आज कड़ी धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की महिलाएं बुजुर्ग अपने सहयोगी से कहेंगे जरा कैमरा घुमाएं आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी इसमें सब शामिल हैं, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं लगातार यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जी हर एक तबका इस वक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, अभी आपने तस्वीरों के जरिए हमको दिखाया और तस्वीरों के जरिए साझा भी किया, लेकिन इस बार सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, तो क्या लगता है कि जो हरदोई की जनता का मूड है वो ज्यादा किस पार्टी की तरफ झुकाव है? मुस्कान ये तो कहना मुश्किल होगा, ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा किसकी तरफ जनता रुझान कर रही है, लेकिन जो जनता के रुझान आ रहे हैं सपा और भाजपा में करारी टक्कर है हर सीट पे, जहां पर अगर देखा जा सकता है चाहे हरदोई हो चाहे शाहबाद हो चाहे गोपम हो नगर पालिका हो चाहे कहीं सवाईपुर, हर जगह पे कहीं करारी टक्कर सपा और भाजपा दे रही है हर जगह पे। जी ठीक है हर्षराज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर्षराज ने पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाई, तो आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव की लड़ाई जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से ही जो लगातार जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, तो वही कब वोटिंग होगी, नतीजे कब आएंगे और किन किन मंडलों में आज चुनाव जा रही है ये भी प्राइम टीवी आपको समझाने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो आप इस वक्त प्राइम टीवी की अगर स्क्रीन को गौर से देखें तो आपको हर एक एक पल की अपडेट सीधी और सटीक मिल जाएगी, इसके लिए आप लगातार प्राइम टीवी की टीवी स्क्रीन पर निगाहें बना के रखें, क्योंकि हम हर एक एक पल की हर एक एक मिनट की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वही स्कॉलर होम स्कूल में बने बूथ में मतदान का इस्तेमाल किया गया है, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तो वहीं गोरखपुर में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी वोट डाला है, तो तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता जो है वो भी मतदान स्थल पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में विधायक नीरज बोरा ने भी मतदान किया है और ये मतदान स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सूबे में इस वक्त मतदान जारी है, तो 37 जिलों के 9 मंडलों में सुबह से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, क्योंकि लड़ाई बेहद दिलचस्प है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है कि जनता का मूड क्या है, हर एक क्षेत्र से लेकर के हर एक वार्ड का और हर एक मोहल्ले का मूड तय करने वाला ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शहर की लड़ाई अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। तो वही लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो एक बार फिर से विवेक शाही हमारे साथ मौजूद है जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त खड़े हुए हैं। विवेक आप इस वक्त कहां पर मौजूद है सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए। मैं लखनऊ के मड़गांव गांव में है, अपने मॉडल स्कूल है, यहाँ पे लोग बस लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो युवाओं में जो जोश दिख रहा है, जो बुजुर्ग है उनके भी जोश में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सभी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह 7 बजे से ही कर रहे हैं और लखनऊ की जनता जो है बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दिखा रही है। जिस निकाय चुनाव की बात की जा रही थी, जिस निकाय चुनाव के लिए सभी बड़े राजनीतिक दल लगातार तैयारियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 37 जिलों में आज के दिन मतदान होगा और आज शाम तक है सभी की किस्मत जो है वो मतपेटियों में या ईवीएम में कैद होके रह जाएंगी, उसके बाद इसका फैसला होगा। लेकिन लखनऊ की जनता इस नगर संग्राम में इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रही है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ लोगों की भीड़ मौजूद है, मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं और अपने जो उनके प्रत्याशी हैं, जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं जिनको वोट करना है उन्हें वोट दे रहे हैं। कुछ लोग ठीक है, विवेक प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम तो आपको भी याद होगा नगर संग्राम, जिसमें आप भी लगातार हर एक वार्ड में गए थे, हर एक क्षेत्र में गए थे, और क्या क्या समस्याएं थी जिसको लेकर इस वक्त जनता मतदान स्थल पर पहुंच रही है? देखिए अगर लखनऊ की बात करें तो सबसे सबसे बड़ी समस्या लखनऊ का ट्रैफिक है, जिसको मुद्दा सभी लोग मान रहे हैं,
इसके बाद अगर जल जमाव की व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था हो, इसको मुद्दा सब लोग मान रहे हैं। और तमाम जो है ऐसे कई मुद्दे थे जिसपे जो है जनता लगातार जो है बात करना पसंद करती थी प्राइम टीवी से जब हम वार्ड में गए थे। एसीपी अलीगंज भी यहाँ पे मतदान स्थल पे पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार से वो और सख्ती से पालन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि इन्होंने हमसे बताया कि निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी गतिविधि जो है इस प्रकार की ना हो। जैसे इसके पहले लगातार कई पार्टियां जनविपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रहती थी कि सरकार जो है लगातार सरकारी भाषण जी का दुरुपयोग करती रही है, कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला जो है लगातार आता रहता था। लेकिन ठीक है विवेक, सुबह 9 बजे से ही मतदान जारी है और लगातार जो जनता है वो मतदान स्थल पहुंच रही है और आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो क्या कहीं से ईवीएम की गड़बड़ी या कहीं से किसी भी तरीके की घटना की खबर अभी तक आप तक पहुंची है? देखिए अगर बात की जाए तो इस प्रकार की घटना की कोई खबर अब तक जो है यहाँ पे जो है जानकारी में नहीं है। इस जहाँ हम है मतगणना स्थल पे मड़ियाव गाँव है, अभिनव मॉडल स्कूल है, यहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना जो है अब तक दर्ज नहीं की गई है, नहीं बताई गई है। अगर बात की जाए तो वंदना मिश्रा जब अपना वोट देने गई थी तो वहाँ पे ईवीएम में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिली थी, लेकिन बाद में उस समस्या को दूर कर दिया गया था। ठीक है विवेक, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग भी मौजूद है, शायद वो आपसे बात करने का प्रयास करें, तो आप एक बार जरा उनसे भी बात करिए कि वो क्या अपनी राय रखना चाह रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से। जी बिल्कुल, हमारे साथ लोग हैं और जो मतदान करने के लिए यहाँ पे आए, उनसे बातचीत करेंगे, क्या जो है उनका कहना है, किस प्रकार से अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। हम अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो कैमरा थोड़ा पीछे ले, हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या राय जो है वो इस मुद्दे पर भी मतदान करने आप आए हैं, लोकतंत्र की इस महापौर में अपनी भागीदारी जता रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मतदान करेंगे? मैडम मुद्दे यही है की गाँव की जो एरिया है ये बताइए कि जिस प्रकार से आज मतगणना चल रही है सुबह से, आपने अपना वोट डाल लिया, क्या मुद्दा ऐसा था जिस पर आपने वोट डाला, कौन सी बात थी जो आपको अच्छी लगी कि हम जाएंगे वोट डालेंगे? और विकास हुआ है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो है अपने मुद्दों को लेकर सतर्क है, अपने मुद्दों को लेकर जो है वो डाल रही है। हमारे साथ सीमा चांद की जो है ये प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, आज मतदान हो रहा है, आप भी मतदान करने के लिए यहाँ पे आई हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है साइकिल वाले बटन को दबा के सारी मतों से मुझे उजे बना। तो ये थी हमारे साथ सीमा चांद की जो यहाँ पे प्रत्याशी है और जिस तरीके से सभी हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे को वोट डालेंगे और तमाम जो है दिक्कतें जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए वोट डालेंगे। और जो प्रत्याशी है उन्होंने बातचीत में यहाँ पे कहा कि वो जिस तरीके से यहाँ से खड़ी हुई है, यहाँ से वो पहले पार्षद भी रह चुकी है, तमाम काम किया है, जनता उनके साथ है, जनता का समर्थन मिल रहा है, इस प्रकार से उनका कहना है। बाकी अगर बात की जाए तो लखनऊ की जनता सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतगणना स्थल पहुंच रही है। बच्चों के भी भीड़ यहाँ पे, खैर वो एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए, लेकिन अपने परिवार के साथ बच्चे भी जो है अपने माता पिता के साथ वो भी मतगणना स्थल पहुंच रहे हैं। तमाम बुजुर्ग है वो मतगणना स्थल जा रहे हैं, वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। युवाओं की अगर बात की जाए, लगातार भारत के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि देश के युवाओं को
मताधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आज छुट्टी का भी दिन रखा गया है ताकि सब लोग अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक है विवेक, अभी हम जब देख रहे थे कि लगातार जो तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता है जब वो लोगों के बीच जनसभा कर रहे थे तो अतीक अशरफ हत्याकांड को बखूबी मुद्दा बनाया गया, उसको लगातार तूल दी गई हर एक पार्टियों द्वारा। तो क्या जो चुनाव लोग जो मतदान अपना लोग डालने पहुंच रहे हैं, क्या अतीक अशरफ हत्याकांड का असर जो नतीजे हैं उस पर पड़ सकता है? जी विवेक, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विवेक, मेरा सवाल ये है कि जब निकाय चुनाव को लेकर प्रचार किया जा रहा था तो तमाम पार्टियों के जो दिग्गज रहता है वो अतीक अशरफ हत्याकांड को मुद्दा बना रहे थे, उसे तूल दे रहे थे, और आज जब मतदान शुरू हो चुके हैं तो क्या लगता है कि अतीक अशरफ हत्याकांड जो है वो मुद्दा बनेगा चुनावी नतीजों को बिगाड़ने में? देखिए, लगातार जो है कानून व्यवस्था की बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग हर जनसभा में इस मुद्दे को उठाया है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बनाए रख रही है। अगर बात करें तो ये चुनाव जो है लोकल बॉडी का चुनाव है, और अगर यहाँ देखा जाए तो जो वार्ड की स्थिति है उस पे काफी कुछ जिम्मेदारियां मैटर करती हैं, क्या समस्याएं हैं लखनऊ महानगर में, वार्डो में क्या स्थिति है। और प्लस अगर बात की जाए तो यहाँ ऐसी कई भी नतीजे देखे जा सकते हैं कि जो निर्दल प्रत्याशी है वो जीत के आता है, जो सिंबल का उस समय कुछ खास महत्व नहीं रह जाता, वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से या फिर अपने जनसंपर्क से वो जीत के आता है। खैर, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो एक पूरा माहौल बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष माहौल बनाया था कि जिस तरीके से लॉ ऑर्डर की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में लगातार बेहतर होती जा रही है, उसके बाद जो है कई जनसभाओं में कई नेताओं द्वारा किया गया, सपा ने इस पर कटाक्ष भी किया। इसके बाद अगर विकास का जो मुद्दा होता है, जल जमाव का मुद्दा होता है, ट्रैफिक का जो मुद्दा होता है, नालियों की जो समस्या होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण करती है लोकल बॉडी के चुनाव में। हमारे साथ जो प्रत्याशी है श्रीमानी, वो अपील करना चाहती है प्राइम टीवी के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि समस्या समस्या ये है कि हमारा है गायब है वो जो है, और नए नाम जो नए हमारा एरिया ऐड हुआ है वो पूरा वोट डाल ही नहीं दे रहे, जो जा रहे हैं उसको डरा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, इसमें कुछ करिए। 19 अगर 20 लोग हैं तो एक वोट डाल नहीं दे रहा है, 19 को डरा दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? जब वोट ही नहीं पड़ेगी पूरी तो कैसे जो है परिसीमन के बाद जो है कुछ गांवों को आपके वार्ड में शामिल किया गया है, और आपके वार्ड से जो पहले है उनको दूसरे वार्ड में क्या समस्या है? जैसे कि हमारे यहाँ भाग संख्या तो 253 है, 253 में कम से कम नहीं तो 500 से 700 तक के वोटे हैं, जिसके अंदर 800 कुछ वोटे दिखा रहे, बाकी सारे वोटे उसमें है ही नहीं। कम से कम 253 के 1000 से ज्यादा मत गायब है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? निर्वाचन अधिकारी है या स्वयं कानून है या स्वयं उसके लिए कौन जिम्मेदार है जो इतने वोटे कम हुए हैं, जो हमारे यहाँ के मतदाता वापिस जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार क्या स्वयं सरकार अपने आप को मानती है? किसी को भी प्रत्याशी है और बोली गई, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जो परिसीमन की बात जो है, जो गांव ऐड हुए थे इस वार्ड में, उस वार्ड में जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा रहा है, ऐसे आरोप वो लगा रहे हैं। अब लोकतंत्र के इस महापौर में एक एक वोट की कीमत होती है, और कई लोग जो है अपने वोटिंग करने से पहले ही चूक जाए तो ये बड़ा आरोप है कि अगर कोई प्रत्याशी को, अगर युवक ये कह रहे हैं कि अगर उसके क्षेत्र में लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है तो ये बेहद ही बड़ा आरोप है। इस पर बाकी जो लोग आपके पीछे मौजूद है उनकी क्या राय है, क्या वो भी यही मान रहे हैं? बिल्कुल, हम और भी लोगों की राय पूछेंगे। भैया आप बताइए,
किस तरीके से लोग बता रहे हैं लोगों को वोटिंग करने से रोक दिया गया, उनका नाम ही नहीं लिस्ट में है, कितनी सच्चाई इस बात में? आपने वहाँ प्रशासनिक अधिकारी से बात की क्या? ठीक है विवेक, तो लगातार आपने बताया कि जो लोग हैं उनका ये मानना है कि उनको रोका जा रहा है, उनको अपने मत का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन विवेक, लखनऊ की महापौर सीट पर अगर हम एक नजर डालें तो 28 साल से इस सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने तमाम जातीय समीकरणों को साधते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो क्या लगता है, क्या जो प्रत्याशी है वो चुनावी समीकरण को बिगाड़ने में कितने सक्षम हो पाएंगे, यूं कहें कितने काबिल है? ठीक है, तो विवेक से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बेहद ही बड़ा सवाल है, जिस तरीके से हमारी टीम जब लोगों के बीच पहुंची मतदान स्थल के बाहर, तो लोगों ने आरोप लगाया कि उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, और पीठासीन अधिकारी से इस मामले को लेकर पूरी शिकायत भी की गई है। तो लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज लगातार सुबह से ही 7 बजे से जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, वो लगातार प्रत्याशियों की किस्मत लिखती हुई नजर आ रही है, जो कि आज कहीं ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका खुलासा फिलहाल 13 मई को होगा कि आखिर जनता की पसंद कौन बड़ा है। लेकिन उससे पहले प्राइम टीवी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, किसी को परेशानी ना हो। यही वजह है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो नाव में 11 बजे तक 23.13% मतदान किया जा चुका है, तो सीतापुर में 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 22.28% है, तो झांसी में 11 बजे तक जो मतदान है वो 17.90% मतदान इस वक्त डाले जा चुके हैं, तो मुरादाबाद में 11.65% की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो 11 बजे तक कहा कि जनता कितनी एक्टिव रही, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। कुशीनगर में 23.54% मतदान रहा है, तो शामली में 11 बजे तक जो वोटिंग का आंकड़ा था वो 27.5% रहा है। तो लखीमपुर खीरी में जो 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है वो है 22.13% है, तो लगातार जो जनता है वो मतदान स्थल पहुंच रही है, यानी कि वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रही है। प्रतापगढ़ में 19.73% जो है वो वोटिंग हुई है, तो झांसी में 17.90% वोटिंग हुई है। तो लगातार सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है, लेकिन उसी बीच जो तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनते हैं। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। ओके,
आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी का नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है, और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सभी को मिल रहा है। अब उदाहरण लिए देश का सम्मान, सूडान जैसी घटना जो आज हो रही, वहां आतंकवादी सेना आपस में भिड़ रहे हैं, समय हिंदुस्तान की जैसे पता चलता है कि भारत के बच्चे, अभी मुझे मिल गया, वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़, बाकी जनपदों से कानपुर में लोग बताए जिस ढाबा पर भोजन कर रहे थे, यानी जैसा नाम सुनते कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है, सुरक्षित व जाते ना आतंकवादी सीधे और आपस में कत्लेआम हो रहा है, सड़कों को लाश कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित वो देश वापस आ रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ी है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी हो चुका है और हमारी अपील है जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। और इसलिए जिताना जरूरी हो गया है, इस भ्रष्ट सरकार को अब हटाने की ज़रूरत है। तो पूरी तरह से इस भ्रष्ट सरकार से परेशान जनता हो चुकी है, तो इसलिए हटाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कल डिंपल यादव भी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा नहीं है कि ईमानदारी से चुनाव हो सके, अधिकारी हैं गड़बड़ी कर सकते हैं कुछ। ये देखिए, नौकरशाही के भरोसे ही चुनाव, और इतनी गड़बड़ियाँ कराने का प्रयास करते रहते हैं ना, और ये अगर सही मतदान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं जीत सकती है। जिस तरह से कल केशव प्रसाद वो रहे थे इटावा में, उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो चुकी है, अब जनता जो है टायर ट्यूब भी उखाड़ेगी। देखिए, इन बड़बोले मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा, यहाँ तक कि किसी को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़बोले मंत्री हैं, केवल ये जनता में यही प्रचार कर सकते हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं, शिक्षा का अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो इनसे सवाल करेगी, रोजगार मांगेगी, तो इसलिए ये केवल भ्रमित करेंगे। और जनता का इनका प्रयास है कि यही टाइट ट्यूब निकालने का काम जनता करती रहे। इस प्रदेश ने और इस देश ने माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कार्यों को देखा है, और साथ ही साथ नगर निगम में किस प्रकार से हम स्वच्छता के पैमाने पर 259वें स्थान से 12वें स्थान पर पहुंच गए, इन विषयों को भी जनता ध्यान में रखती है। लखनऊ एक केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के पटल पर एक अपना स्थान बना रहा है। जनता इस डबल डेकर के सरकार के साथ ये ट्रिपल इंजन नगर निगम का जोड़ने जा रही है। सुषमा खड़कवाल जी हमारी महापौर प्रत्याशी, 3 दशकों से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, भूतपूर्व सैनिक की पत्नी है, साथ ही साथ जनता के बीच में जब मैं जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ केवल हमारी महापौर प्रत्याशी नहीं, जो 110 हमारे पार्षद गण हैं उनके लिए भी जनता के मन में ये विश्वास है कि वह नगर निगम की देवड़ी चढ़ेंगे, हम ऐतिहासिक मतों के साथ ये नगर निगम का चुनाव जीतने जा रहे हैं। के चुनाव है, निकाय और पालिका के चुनाव है, इन सब में ऐतिहासिक रूप से सफलता हासिल भारतीय जनता पार्टी। लोगों से क्या अपील करेंगे निकाय चुनाव? मैं अपील करूंगा कि जरूर वोट जरूर करिए, और क्योंकि ये केंद्र की सरकार भाजपा की, उत्तर प्रदेश की सरकार, लोगों ने देखा है
और स्वाभाविक रूप से निगम और पार्षद इन सब में अगर हमारी विजय अच्छी होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो डेवलपमेंट की जो गति है उसको और नीचे तक लोगों के चरणों तक पहुंचाने में, घरों तक पहुंचाने में स्वाभाविक रूप से आसानी होती है, सरकार और मजबूती के साथ काम कर। अभी तक की वोटिंग परसेंटेज जो आया है 9% आया है, केवल क्या कहेंगे सर, क्या अपील करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग निकले वोट करें, क्योंकि लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय अभी आगे बढ़ेगा अच्छा होगा, क्योंकि लोग भी बहुत अवेयर हैं, लोग वोट करना चाहते हैं और अपनी एकजुटता और अपना विश्वास भी सरकार के प्रति प्रकट करना चाहते हैं। ठीक सर, थैंक यू। पिछली बार की तरह हमको लगता है अभूतपूर्व होने वाला है, पूरा भारत नहीं बल्कि विश्व देखेगा और हर बूथ पर कमल का फूल खिलने वाला है, सभी सीटों पर बम्पर विजय होने वाली है, क्योंकि हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश भारत के लिए और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है विकास का और सुशासन का, और चतुर्दिक विकास की आंधी उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसलिए जनता जनार्दन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और योगी जी के प्रयासों को निश्चित रूप से सफलीभूत करेगी और सभी बूथों पर कमल का फूल खिलेगा। मतदाताओं की शिकायत आ रही है कि सूची से नाम गायब है, राजभवन के सामने PWD कॉलोनी, वहां के जो है बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम निकाले, जिला प्रशासन को लगता है कि तैयारी कमजोर रही? ऐसा नहीं लगता, तैयारी अच्छा प्रशासन ने किया और बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव की है, और मुझको तो लगता है कि नंबर एक का राज्य उत्तर प्रदेश इस विषय में भी बनता जा रहा है कि सभी चुनाव कितनी शांतिपूर्वक और कितना व्यवस्थित हो रहा है, इतना बड़ा चुनाव और अभूतपूर्व चुनाव, लेकिन कहीं से कोई समस्या नहीं है, तो हम इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और सभी प्रशासन के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और जनता जनार्दन का आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने मतदान का प्रयोग करें। भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों सरकारें मिल करके तेज गति से विकास, चतुर्दिक विकास और विकास विकास की आंधी चलेगी तो हर किसी को उसका आनंद मिलेगा। वोट परसेंटेज सर पिछले बार कम रहा सर, वोट परसेंटेज बढ़ाने की 2024 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को लेकर के आशान्वित रहती है और सबको लगता है कि पूरे भारत में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है उसमें हर चुनाव में हम लोग और अधिक विजय प्राप्त करते हैं, तो अब की बार का चुनाव भी तो अभूतपूर्व रहने वाला है, सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में, सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय होगी। थैंक यू। मैंने अपना मतदान का प्रयोग किया है, पहले मतदान फिर जलपान, और मैं लखनऊ की सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जाइए अपने मतदान का प्रयोग करिए, क्योंकि बूथों में बूथ खाली पड़े हैं और बहुत कम संख्या में मतदान करने जनता जाए। ईवीएम में गड़बड़ी बताई जा रही है? जी, ईवीएम 20 मिनट तक खराब थी, फिर अब सही हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। आज की सुबह कितनी अलग है आपके लिए रोज की सुबह से? भाई, आज तो लखनऊ के लिए भी अलग है, मेरे लिए भी अलग है कि लखनऊ के तकदीर का फैसला होने वाला है। लखनऊ फिर से अपनी पुरानी गरिमा आज के वोटों से वापस पाएगा, लखनऊ फिर से एक सुंदर स्वच्छ सांस्कृतिक शहर के रूप में फिर से उभरेगा, लखनऊ फिर से दुनिया के नक्शे में अपनी दमकती चमकती जगह वापस पाएगा। तो ये आज तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि सब लोग घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि उनका वोट चीज़ें बदल देगा, उनका वोट लखनऊ की बदरंग तस्वीर को खुश रंग तस्वीर में बदलेगा। तो मेरी अपील है, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर लखनऊ। आपने भी वोट डाल दिया, जरा इंक दिख जी, देखिए देखिए अवधेश वंदना, देखा जाए तो आपके कैंपेनिंग में अखिलेश यादव भी खुद जमीन पर उतरे थे, कितना आपको जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है इसको लेकर? हमको हर बात का बेनिफिट मिलने वाला है, माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन का, समाजवादी पार्टी ने जितना काम कर रखा है लखनऊ के लिए उसका, हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता थे उनका, और सबसे बड़ी बात है जनता का, लखनऊ की जनता का मुझे बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। शाम को 6 बजे तक लखनऊ नगर निगम के मेयर और पार्षद पदों के लिए और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड मेंबर्स पदों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और लगभग सब जगह पर EVMs जहाँ शिकायत आ रही थी वहाँ ठीक कर दी गई हैं, जहाँ रिप्लेस होना था रिप्लेस कर दी गई हैं और मतदान सुचारू चल रहा है। यहाँ कंट्रोल रूम से शुरुआती दौर में सभी जगह नज़र बनाई गई थी कि सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पीठासीन अधिकारियों का समन्वय रहे, कहीं कोई अगर दिक्कत आती है शुरुआती दौर में तो तत्काल उसे अटेंड किया जाए, और इसके बाद अब सभी अधिकारी फील्ड में हैं और हम लोग भी अभी फील्ड में। अभी तक जो 9 बजे तक के फिगर्स कलेक्ट हुए हैं उसमें अनुमान ये है कि 8% से अधिक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अभी हम थोड़ी देर में रिलीज करेंगे। सर, जो EVM खराब हो रही है उनके लिए किस तरह आपने देख लिया?
शुरुआती दौर में कहीं कहीं ईवीएम की शिकायत रिपोर्ट की गई थी, उसको सबको ठीक कर दिया गया है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। जहां तकनीकी खराबी थी वहां पर रिप्लेसमेंट किया गया है, और जहां प्रक्रियात्मक लोगों के समझ में नहीं आ रहा था तो वहां पर हमारे मास्टर ट्रेनर से पहुँच कर ठीक कर दिया। तो आपने सुना कि इस दौरान जो तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता हैं उन्होंने मतदान तो किया, लेकिन इसके साथ ही लोगों से ये भी अपील की है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो जहां एक तरफ तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट किया, तो वही जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी है, चाहे वो सुषमा खरकवाल हो चाहे वो वंदना मिश्रा हो, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आई है। तो यूपी में इस वक्त निकाय चुनाव की जंग जो है वो लगातार जारी है। 4 मई यानी कि आज के दिन वोटिंग हो रही है, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे, जो प्राइम टीवी आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार निकाय चुनाव का दंगल बेहद दिलचस्प हो चुका है। तो 4 घंटे की किस्मत जो 4 घंटे की तस्वीरें हैं वो भी अब कहीं ना कहीं काफी साफ हो चुकी है, क्योंकि 9 मई 11 बजे तक 23.13% वोटिंग हुई है। तो वही सीतापुर में 11 बजे तक जो मतदान परसेंटेज था वो 22.28 रहा था। तो झांसी में 17.90% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो वही झांसी में जो वोटर्स की संख्या है वो काफी कम नजर आई, क्योंकि जो मतदान स्थल है वो खाली नजर आए और वोटिंग के परसेंटेज भी काफी कम रहे। लेकिन मुरादाबाद में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 11.65% है। तो हम लगातार आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। तो उस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया है, मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ संख्या 425 पर मायावती ने वोट डाला है। हमारी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, तो मायावती ने यह दावा किया है कि इस निकाय चुनाव में हमारी पार्टी जो है वो शानदार प्रदर्शन करेगी। बसपा सुप्रीमो ने पहले मतदान किया, फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि निकाय चुनाव में जनता का भरोसा बसपा के साथ है। मॉल एवेन्यू पोलिंग बूथ संख्या 425 पर मायावती ने वोट डाला है। तो वहीं इस दौरान एक ऐसा भी वाकया हुआ जब मायावती के साथ ही उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी भी सहम गए थे। दरअसल हुआ ये कि जब मायावती अपने मतदान का इस्तेमाल करने पहुंच रही थी, तो उस दौरान जो मतदान स्थल है वहां पर एक गुब्बारा फट गया, जिसके बाद सभी सुरक्षा कर्मी थोड़ा सहम गए। तो मायावती ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ी है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी तो अम्बेडकर नगर में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया है। तो निकाय चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद रही, पुलिस जगह जगह लगातार वाहनों की चेकिंग अभियान भी चलाती हुई नजर आई है, ताकि जो निकाय चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वही अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर भी है। यही वजह है कि लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है अम्बेडकर नगर में दूसरे चरण में, यानी कि 11 को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो पुलिस है वो मुस्तैद नजर आई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी लगभग पूरी बताई जा रही हैं। तो लखनऊ में नगर निगम जोन 2 के मतदान केंद्र पर भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी नेता के द्वारा सत्ता पक्ष पर जबरन वोट करवाने का भी आरोप लगाया गया है। ये कोई नया आरोप नहीं है, पहले भी अक्सर ऐसे आरोप लगते आए हैं। तो वही पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी इस दौरान मतदान केंद्र पर हुई है। तो आपको बता दें कि नगर निगम जोन 2 के मतदान केंद्र पर हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान विपक्ष दल के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर जबरन वोट करवाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच जो है वो तीखी नोकझोंक भी हुई है। तो ये नोकझोंक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चले कि आज शहर निकाय चुनाव यानी कि शहर की सरकार चुनने का एक अहम दिन माना जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। तो वहीं इस दौरान लखनऊ में मतदान स्थल पर
विपक्षी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई है। पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई है। आपको बताते चले कि ये हंगामा जो हुआ है वो नगर निगम जोन 2 के मतदान केंद्र पर हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, नगर निगम केंद्र 2 पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वजह बताई गई है? जी, आपको बता दें मुस्कान कि आज प्रदेश भर में निकाय चुनाव के पहले फेज का मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि हर एक जगह तमाम व्यवस्था किए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उसी क्रम में बैस बाग स्थित एक बूथ पर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त अगर बात की जाए तो एस बाग में पूर्व उप मुख्यमंत्री और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा वोट देने गए थे, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि वो अपने चुनाव चिन्ह का कहीं ना कहीं अपील कर रहे थे, चुनाव चिन्ह को कहीं ना कहीं लोगों से बताते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में नोक झोंक देखने को मिली है। अगर स्थिति को अगर बात करें तो स्थिति अभी काबू में पा ली गई है। ठीक है विभांशु, क्या इसके अलावा कहीं और से भी हिंसा या झड़प की खबरें सामने आई है अभी तक? जी अगर मुस्कान जी, ठीक है, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस और विरोध कर रहे लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। तो आपको बताते चले कि आज निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। तो वही लखनऊ में दिनेश शर्मा के मतदान के समय भारी बवाल हुआ है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के मतदान के दौरान भारी बवाल हुआ है। अराजक तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मतदान केंद्र के बाहर जमकर मारपीट भी की है। सपा कार्यकर्ताओं ने दिनेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। बूथ के अंदर कमल के निशान को दबाने की अपील की जा रही थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सपा कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। तो दिनेश शर्मा के मतदान के समय बवाल देखने को मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम के मतदान के दौरान बवाल देखने को मिला है। अराजक तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की है। तो विभांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, दिनेश शर्मा के मतदान स्थल के बाहर भारी बवाल देखने को मिला है, क्या वजह बताई गई और क्या दिनेश शर्मा अपना मतदान कर पाए हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अपने मतदान को संपन्न कर चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। जब वो वोट देने गए थे उस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का आरोप लगाकर और विरोध करते हुए नजर आए हैं कि बूथ के अंदर कमल निशान दबाने को अपील की गई है इनके द्वारा, जिसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। मौके पर पुलिस बल उन्हें पूरी तरह से तितर बितर करके इस मामले को ठंडा कर दिया है। मगर बात करें तो इस हिंसा के बीच जहां एक तरफ नोकझोंक हुई है, तो वहीं लखनऊ की अधिकांश बूथों में मुस्कान जो फिजिकल डिसेबिलिटी लोग हैं, यानी कि जो विकलांग लोग हैं, उनके वोट डालने के लिए यहां कहीं ना कहीं व्हील चेयर का इंतजाम हर जगह देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो आदेश था उस पर अफसर कहीं ना कहीं पुलिंदा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विभांशु, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो क्या आपको तस्वीरों के जरिए ये देखकर लग रहा है कि आधे अधूरे इंतजाम के साथ ये मतदान कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो महज हफ्ते दिन पहले लखनऊ के डीएम की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष इंतजाम किए जाएंगे, मगर पूरी तरह से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकांश बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे विकलांग और कहीं ना कहीं जो बीमार वोटर हैं और वो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी टीम अपने कैमरे में इस बात को कैद की है कि कैसे व्हील चेयर के बगैर लोग वोट देने जा रहे हैं। विकलांग लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित हैं और परेशान भी हैं। और आपको बता दें कि अगर बात करें राजधानी लखनऊ में, तो आज नगर निगम के 13 मेयर प्रत्याशी और साथ ही साथ 110 वार्डों में 911 पार्षद प्रत्याशियों की साख दांव पे है। आज देर शाम 6 बजे तक लखनऊ के और साथ ही साथ
37 जिलों और 9 मंडल में मतदान होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि नतीजे जब आते हैं तो जनता ने किस पर वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट दिया है, वो नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। ठीक है विभांशु, लेकिन जो दिनेश शर्मा के मतदान केंद्र के बाहर जो भारी बवाल देखने को मिला है, उस दौरान ये भी आरोप लगाया गया कि मतदान केंद्र के अंदर लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो कमल के बटन पर वोट दबाए, तो इस मामले पर क्या अधिकारियों का क्या बयान सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, अभी इस पे ये साफ नहीं हो पाया है। एक आरोप के आधार पर नोकझोंक देखने को मिली है और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि लखनऊ के जिला अधिकारी जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी का जिम्मा मिला है वो इस बात की तहकीकात करेंगे। साथ ही साथ तमाम मजिस्ट्रेट लेवल के अफसरों को भी फ्लाइंग स्क्वाड में रखा गया है, जो अलग अलग जो 2500 से ऊपर लखनऊ में बूथ है तो वहां पे जो उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं तो जिसकी जिम्मा आएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो बिल्कुल इस मामले को तय तक जाकर और कहीं ना कहीं दुरुस्त करेगा। मगर अभी अगर यथास्थिति की बात करें तो मुस्कान पूरी तरह से एस बाग स्थित पोलिंग बूथ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चल रही है, शांति व्यवस्था कायम है। और बात करें तो जब सुबह के पूर्व उप मुख्यमंत्री वोट देने जाते हैं उस वक्त ये मामला हुआ और अब मामला कहीं ना कहीं शांत है। और अगर बात करें ठीक है, यानी कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। विभांशु धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो लखनऊ में सपा मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने अपना मतदान कर दिया है, तो सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने अपना मतदान किया। सपा उम्मीदवार ने कहा ईवीएम की थोड़ी समस्या हुई है, थोड़ी देर बाद समस्या का समाधान भी निकल गया, जिसके बाद सपा के मेयर प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। तो लखनऊ में निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, जिसके लिए जो तमाम पार्टियों के मेयर प्रत्याशी हैं वो भी मतदान स्थल पर अपने मतदान का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान सपा उम्मीदवार ने कहा कि ईवीएम की थोड़ी समस्या हुई थी लेकिन उसके बाद समाधान निकाला गया, समस्या को तुरंत हल किया गया, जिसके बाद मैंने अपना जो वोट है वो दिया है। इस दौरान सपा की मेयर प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ईवीएम में गड़बड़ी बताई जा रही है। जी ईवीएम 20 मिनट तक खराब थी, फिर अब सही हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आज की सुबह कितनी अलग है आपके लिए रोज की सुबह से? भाई आज तो लखनऊ के लिए भी अलग है, मेरे लिए भी अलग है कि लखनऊ के तकदीर का फैसला होने वाला है। लखनऊ फिर से अपनी पुरानी गरिमा आज के वोटों से वापस पाएगा। लखनऊ फिर से एक सुंदर स्वच्छ सांस्कृतिक शहर के रूप में फिर से उभरेगा। लखनऊ फिर से दुनिया के नक्शे में अपनी दमकती चमकती जगह वापस पाएगा। तो ये आज तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि सब लोग घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि उनका वोट चीज़ें बदल देगा। उनका वोट लखनऊ की बदरंग तस्वीर को खुश रंग तस्वीर में बदलेगा। तो मेरी अपील है वोट फॉर चेंज, वोट फॉर लखनऊ। आपने भी वोट डाल दिया, जरा इंक जी देखिए। देखिए अवधेश वंदना, देखा जाए तो आपके कैंपेनिंग में अखिलेश यादव भी खुद जमीन पर उतरे थे, कितना आपको जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है इसको लेकर? हमको हर बात का बेनिफिट मिलने वाला है जी। माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन का, समाजवादी पार्टी ने जितना काम कर रखा है लखनऊ के लिए उसका, हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता थे उनका, और सबसे बड़ी बात है जनता का, लखनऊ की जनता का मुझे बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। तो लखनऊ में चुनाव आयोग की बड़ी विफलता देखने को मिली है, आधी अधूरी तैयारी के साथ ये मतदान किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि आधी अधूरी तैयारी के साथ यहां पर मतदान करवाया जा रहा है, हजारों लोगों के नाम लिस्ट से ही गायब है, चुनाव आयोग की वेबसाइट भी ठप पड़ी हुई है। तो आज जहां लखनऊ के लिए अहम दिन माना जा रहा है कि आज इस मतदान के जरिए जो लखनऊ की जनता है वो अपने आगामी 5 साल का भविष्य तय करेगी, तो वही कई मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम ही मतदान सूची से गायब है, हजारों लोगों के नाम इस सूची से गायब है, जिसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट भी ठप पड़ी हुई है। तो किस तरीके से आधी अधूरी तैयारी के साथ ये चुनाव आयोग ये चुनाव करा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहे मतदेय स्थलों का निरीक्षण, जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। सूर्यपाल गंगवार ने क्रिश्चियन कॉलेज स्थित मतदेय स्थल का जायजा भी लिया है। क्रिश्चियन कॉलेज के बाद प्राग नारायण रोड स्थित मतदेय स्थल पहुंचे डीएम। इस दौरान सूर्यपाल गंगवार जो है वो लखनऊ में मतदान स्थलों पर पहुंचकर वहां का जायजा लेते हुए भी नजर आए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं।
सभी बूथों की संवेदनशीलता का आकलन किया गया था और उसके आधार पर कई जगहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है, कुछ जगहों पर हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है और कुछ जगह पर वीडियोग्राफी के माध्यम से हम उस पर निगरानी कर रहे हैं। तो लखनऊ निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार सुबह 7 बजे से ही जारी है। आपको बता दें कि आज पहले चरण का मतदान है, जिसके लिए कंट्रोल रूम से मतदान स्थलों की निगरानी भी लगातार की जा रही है। कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी लगातार की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी जानकारी ली है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट से लगातार जानकारी ली जा रही है ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। निर्वाचन संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो लखनऊ के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और उनकी पत्नी ने भी मतदान किया है। ये उनके मतदान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भाजपा विधायक जयदेव कौशल ने भी उनके साथ पहुंचते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्राथमिक विद्यालय माधवपुर दुबग्गा में मतदान करते हुए नजर आए मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के साथ उनकी पत्नी मतदान स्थल पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई भी नजर आई। भाजपा विधायक जयदेव कौशल ने भी उनके साथ मतदान किया है। प्राथमिक विद्यालय माधवपुर दुबग्गा में ये मतदान किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही प्राइम टीवी की टीम पल पल की अपडेट और तस्वीरें आपको दिखा रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। तो लखनऊ में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने किया अपने मतदान का प्रयोग। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इस दौरान चुनाव में प्रचंड जीत का भी महेंद्र सिंह ने दावा किया है। पहले से कहीं ज्यादा बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का पूर्व मंत्री दावा करते हुए नजर आए। वहीं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के साथ उन्होंने प्रचंड जीत का भी दावा किया है।